नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई डिजाइन लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं आपको बोतल में दोस्तों मकान बनाने बात दिखाऊंगा। मैं आपको किस प्रकार से मकान बनाया जाता है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे आप बोतल पे लेके चलता हूँ। अभी आधा मैंने मकान बनाया है तो आधा आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको पूरा मकान बनाकर दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये हमारी बोतल है दोस्तों, इसमें देखिए ये मकान अभी बन रहा है। नीचे की मंजिल हमारी तैयार हो गई है, अब ऊपर की मंजिल हम बना रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले मैंने बोतल में नाव भी डाल के दिखाई थी, कुर्सी भी, खाट पाई, चारपाई भी, ये सभी मैंने दिखाया था दोस्तों। तो देखिए ये आप सभी, ये नीचे का आपको मंजिल का देख पा रहे हैं। ये दरवाज़ा है, ये खिड़की लगाई है, यहाँ भी खिड़की, ये दरवाज़ा लगाया है, ये रेलिंग लगाई है और यहाँ ये पैड़ी लगाई है। ये आपको एक होल बनाया है, इसमें ये पिलर दिया गया है दोस्तों। और ये अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीना लगाया गया है, यहाँ पे जीने सपोर्ट लगा दी गई एक, और यहाँ पे जीना लगाए। पीछे अभी बालकोनी है वो खाली है, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दो खिड़की लगा दी गई है। तो ये नीचे का पोर्शन तैयार होगा। अभी इसी प्रकार से ऊपर का पोर्शन तैयार होगा दोस्तों। ऊपर का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऊपर का हमारा जीना भी चढ़ गया है, आप देखेंगे धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों, इसमें जीना लगा दिया गया है मैंने ऊपर के में, तो जीना भी थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए अब वहाँ पे एक मकान बन जाएगा। और ये नीचे वाला जीना है, इसमें बीच वाला आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो नीचे का जीना है, इसमें रास्ता आ रहा है, तो वहाँ से नीचे का जीना आएगा दोस्तों। ये हमारा पोर्शन है, पहले वाला पोर्शन, ये आप देख पा रहे हैं इसमें दोस्तों। ये आप देखें, ये खाली, ये आपको दिख रहा है ये तिरछा, इसमें जीना चढ़ाया गया दोस्तों। तो ये हमारा जीना लगाया गया है। फिर ऊपर का पोर्शन मैंने जीने में चेंज कर दिया, देखो साइड में लगा दिया जीना अब की बार। तो यहाँ पे मैंने साइड में लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे हमारी रेलिंग लगा देंगे दोनों साइडों में, और आगे यहाँ पे पिलर लगा देंगे, और यहाँ पूरी में इसमें जाली लगाई जाएगी दोस्तों। ये पूरी में रेलिंग भी लगाई जाएंगे, या फिर मैं इसको बंद कर दूँगा, देखते हैं क्या करते हैं। और एक यहाँ भी आपको पिलर लगा दिया जाएगा। अगर इसमें जाली लगाते हैं पूरी में तो यहाँ के पिलर और यहाँ भी एक पिलर लगा दिया जाएगा। ये आगे का ओपन रहेगा हमारा, और ये इसका सेकंड मंजिल का हमारा बारना है, और ये खिड़की है दोस्तों। और इसमें पीछे नहीं दिया गया, पीछे जीना आ गया हमारा, और साइड में भी कहीं भी खिड़की नहीं लगाई गई दोस्तों। तो ये सभी अभी ऊपर इसमें मंजिल हम बनाएंगे, इस पर छत डालेंगे और इसके ऊपर पानी की टंकी बनाएंगे, वो भी थोड़ी अलग डिजाइन की बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई जाए। देखो इस प्रकार से आपको फ्रेम बनानी होगी, और ये लकड़ियों की आपको धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है दोस्तों। और तो आपको ये सभी बनाना होगा। देखो जीने के पीछे मैंने सपोर्ट भी लगा दी है, और ये अंडरग्राउंड देखेंगे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो नीचे वाला जीना आपको दिख पा रहा है, तो यहाँ से ये देखिए आपको अंदर से भी दिखेगा, जीने के नीचे से भी, साइडों में भी आप देखेंगे। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे जीना बनाते रहना है, और आगे की छज्जी है, ये रेलिंग भी आप बनाते रहना है। ये दूसरे टाइप की बना सकते हैं, अभी फिलहाल ये पहली बार मैंने बनाया है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना होगा और भी। तो आगे आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं आपको जीना नीचे से दिख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको दिखेगा दोस्तों। तो ये मकान आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, इससे सुंदर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या फिर बोतल के अंदर खटिया बना सकते हैं आप इसमें। मैंने पर्टिकुलर बोतल में खटिया बनाकर दिखाई हैं, और इसमें छोटे पिड्डे होते हैं वो भी बनाकर दिखाए हैं। एक नहीं दोस्तों, मैंने दो दो तीन तीन चार चार पिड्डे डाल के दिखाए हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार पिड्डे वाले भी बोतल मैंने बनाई है, वो भी दिखा देता हूँ। और एक चारपाई भी मैंने बनाकर दिखाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे वो बना सकें। यदि आप हमारे चैनल पर और भी आप विजिट करेंगे तो चारपाई के बारे में देख सकते हैं। चारपाई में हिंदी में, इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल नंबर कैसे लिखते हैं, वो सभी आप देख सकते हैं दोस्तों। उसमें नई नई डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो चौकड़िया की, पाँच कड़िया की, छकड़िया की, आठ कड़िया की, नौ कड़िया की, बारह कड़िया की खाट हो, या सिंपल जो घूंडियों का हम पिलंग बोलते हैं वो हो दोस्तों, सभी में आपको अलग अलग नई नई डिजाइन हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें, और इसमें सभी पार्ट आप देखें दोस्तों, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तभी आपको समझ में आएगा। और वो जब आएगा, जब बेल का बटन आप दबा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तब आपको सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप सभी सिक्वेंस वाइज पार्ट आपके सामने आते रहेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों देख लिए मैंने नाम, ये चारपाई बोतल में पौवा है, इसमें डाला है, इसमें नाम भी हालांकि मैंने लिखा है, तो वह भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बोतल में आप ये चारपाई डाल सकते हैं। वैसे पर्टिकुलर मैंने बहुत सी बोतलों में चारपाई डाली है, इसमें छोटी भी डाली है और बड़ी भी डाली है, वो सभी भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और ये कला है, और कला हमेशा दिखाई जाती है। ये दोस्तों देखिए, आप चार पिड्डे मैंने डाले हैं इसमें,
तो ये आप देख लीजिए, ये भी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, पाए भी इसके बनाए हैं मैंने, तो वो सभी आप देख सकते हैं। इसके नीचे वाला ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, ये मुड़ गया पाया इसमें लगाने में डालने में समय, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी से डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो ये सभी आप बना सकते हैं, देखिए चार चार पीडीएस में सभी अलग अलग डिजाइंस के दोस्तों, नई नई डिजाइंस के आपके देखने को मिलेगा। देखो ये अलग डिजाइंस का है, नीचे वाला दिखाऊँ मैं आपको स्टार का, वो अलग डिजाइंस का है, उसका बीच वाला आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं, ये देखिए बीच वाला आपको फूल का मिलेगा, वो अलग डिजाइंस का है, और ये बाकी दोनों किनारे वाले देखिए, ये आपको इसमें डबल डिजाइंस है, इसके स्टार भी है, सॉरी दोस्तों एक खुरमा भी है, और इसमें आपको पंखा के ब्लेड दिखे, एक दो तीन चार, ये ब्लेड जैसा भी दिखेगा आपको। तो ये सभी आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान, देखो एक ब्लेड ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, चारों ब्लेड आपको देखने की नज़र आ रही होगी। इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये चारपाई में बना सकते हैं, ये अभी पीडा में बनाया मैंने, आप बड़ी चारपाई में भी आप बना सकते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर है दोस्तों, आपको कौन सी अच्छी लग रही है डिजाइंस में, ये आपको अच्छा लग रहा है घर तो बना लीजिए, अगर ये आपको चारपाई अच्छी लग रही है तो ये बना लीजिए, अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो ये बना सकते हैं। ये कला हमेशा दिखाई जाती है दोस्तों, और कला आप देखिए इसी प्रकार चारपाई में कला है, वो भी मैंने दिखाए हैं कि अलग अलग डिजाइंस के नाम मैंने, दो दो डिजाइन के नाम लिखे हैं, तीन तीन मोबाइल से नंबर लिखे हैं, तो वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने इसमें सीडी डाल के दिखाया है, नाव भी डाल के दिखाया है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे दोस्तों हमारे चैनल पे, या फिर हाथी, घोड़ा, मोर, ऊंट, तोता, ये सभी देख सकते हैं। और भी यदि आप हमारे चैनल पर थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको डोकों से मुड्ढा कैसे बनाया जाता है तो वो देख सकते हैं दोस्तों, डोकों से मुड्ढा किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर बताया कि डोकों से मुड्ढा कैसे बनाया जाता है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं उसमें, किस प्रकार से आपको रस्सी डालनी है, मोड़ी कैसे बांधनी है, तो वो सभी मैंने बताया दोस्तों, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये सभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट मैंने पर्टिकुलर बताई है कि चारपाई स्टार्टिंग से कैसे बनाई जाती है, उसमें मोड़ी कैसे बांधी जाती है, स्टार्टिंग ताना कैसे तानते हैं, माई कैसे गुथी जाती है, उसके बारे में पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो आप हमारे चैनल पर जाके थोड़ा विजिट करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, और ये डिजाइंस की चारपाई के साथ साथ ये भी कला बनाइए, और आप अपनी घर पे भी आप बनाकर थोड़ा दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये देखो इस प्रकार के अलग अलग डिजाइंस की कला है, और कला आप देखिए बहुत ही आसानी से मैंने ये बनाया दोस्तों, थोड़ी सी कि इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो आप भी कीजिए मेहनत तो आप भी बना पाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगले नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।